Hello friend, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start constructing a network diagram. So problem is given here. Draw the network diagram for given relationships of activity. So there are two activity, right? Two types of activity. Just this is the name is activity. Sometimes we can say successor activity, and this one is predecessor activity, right? सो इस टेबल में हमारे पास सक्सेसर एक्टिविटी या एक्टिविटी और एक प्रीडिसेसर एक्टिविटी दोनों दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ए और बी जो एक्टिविटी है उसके पीछे कोई भी एक्टिविटी नहीं है, मीन्स कोई भी प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, नल है। उसके बाद सी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, बट उससे पहले ए एक्टिविटी का होना जरूरी, मीन्स प्रीडेसेसर एक्टिविटी ए कम्प्लीट होगी तभी हम सी को स्टार्ट कर सकेंगे। उसी तरह बी एक्टिविटी कम्प्लीट होगी तभी हम डी को स्टार्ट कर सकेंगे। फिर बी से ई स्टार्ट होगा, सी से एफ स्टार्ट होगा, फिर डी से जी स्टार्ट होगा, और जब ई एफ जी तीनों कम्प्लीट होगी तब हम एच को कम्प्लीट करेंगे। तो अब जैसे कि हम रूल्स और रेगुलेशंस जानते ही हैं नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो सबसे पहले अगर हमें नेटवर्क के डायग्राम को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, ये जो एक्टिविटी है या इसको हम यू भी बोल सकते हैं कि ये सक्सेसर एक्टिविटी जो ए और बी, तो उसके पीछे कोई एक्टिविटी है ही नहीं, मीन्स कोई प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं डायग्राम, उसका मतलब एक्टिविटी ए इसके पीछे कोई एक्टिविटी है नहीं है, ठीक है। सो यहां से ए और बी दोनों निकलेगी, ठीक है। तो इसको मैंने एक निकाल दिया ए और दूसरा निकाल दिया ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। अब उसके बाद सी तभी कंप्लीट होगी जब ए कंप्लीट हो जाए तभी हम सी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सी को स्टार्ट करने के लिए हम सी को स्टार्ट कब करेंगे, कहां से स्टार्ट, मतलब परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी से लेना पड़ेगा। तो हमने इसको इस तरह बनाया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो बी डी है और ई है वो किधर से परफॉर्म, मतलब किस एक्टिविटी से स्टार्ट होगी, क्योंकि बी कंप्लीट होगा तभी डी निकलेगा और तभी ई होगा, ठीक है। तो हम यहां पर को बोल दिया मैंने डी, ठीक है, क्योंकि डी किससे परफॉर्म होगा, बी से। और उसके बाद ई है, ये भी किससे परफॉर्म होगा, बी से परफॉर्म होगा, क्योंकि बी कंप्लीट होगी तभी ई यहां से निकलेगा। ठीक है, अब उसके बाद अब क्या देख रहे हो आप, इसका मैं अच्छा सी नाम लिखना भूल गया था, ठीक है। अब देखिए ए से सी निकला, बी से डी निकला और बी से ई निकला। तो प्रीडेसर एक्टिविटी क्या है, ए, ए से सी निकला, बी से क्या निकला, डी निकला, फिर बी से क्या निकला, ई निकला, ठीक है। मतलब हमने बी से डी एक्टिविटी को परफॉर्म किया और इस बी से ई एक्टिविटी को परफॉर्म किया। अब यहां पर क्या देख रहे हो, जो कि ये एफ है और सी, तो सी कंप्लीट होगा तभी एफ स्टार्ट होगा। तो हम यहां पर एक्टिविटी को स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखिए जी तभी स्टार्ट होगा जब जी डी कंप्लीट होगा, तो डी है तो हम इसको यहां से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, तो इसको बोल दिया हमने जी। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हमको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है एच, लेकिन एच तभी परफॉर्म होगा जब ई एफ और जी तीनों प्रीडेसर एक्टिविटी कंप्लीट हो। तो देखिए आपके पास यहां पर एफ है, एफ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जी भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट जो ई है यहां पर डायरेक्टली कनेक्टेड
नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा कि कोई भी एक्टिविटी अगर किसी दूसरी एक्टिविटी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो तो हम उसके लिए डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं। और डमी एक्टिविटी अपने आप में क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी होती है जो टाइम कंज्यूम नहीं करती, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो अब क्या हो गया, यहां से हम एक एज एक्टिविटी को परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एज। तो देखिए आपकी सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो गई, ए भी परफॉर्म हो गई, बी भी परफॉर्म हो गई, सी भी परफॉर्म हो गई, डी भी परफॉर्म हो गई, ई भी परफॉर्म हो गई, एफ भी परफॉर्म हो गई, जी भी परफॉर्म हो गई और एच भी परफॉर्म हो गई। अब हमें दो ही एक्टिविटी का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमने प्रोसीजर में देखा कि हमें प्रीडेसेसर एक्टिविटी और सक्सेसर एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं सक्सेसर एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सारी एक्टिविटी सक्सेसर एक्टिविटी है इनके लिए, इस प्रीडेसेसर एक्टिविटी के लिए। अब जैसे कि हमने देखा था ए और बी, इसके पीछे कोई एक्टिविटी नहीं, तो हमने इसको यहां से सेगमेंट कर दिया ए और बी। सी ए से निकला, डी बी से निकला, ई ये भी बी से निकला, एफ ये जो हमने परफॉर्म किया ये भी किससे, सी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद जी ये डी से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद एच, ई एफ जी जब तीनों कंप्लीट हुआ तो हमने इसको एच को भी कर दिया। अब हमारे को क्या करना है, इसका नंबरिंग करना है। तो जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम जो नंबरिंग करते हैं लोअर टू हायर मीन्स लेफ्ट टू राइट की ओर करते हैं। अब देखिए, अब हम नंबरिंग इजिली वैसे चाहते तो आप प्रॉब्लम के बीच में भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी नंबरिंग करोगे तो इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। तो देखिए इसको अगर हम नंबर देते हैं वन, तो इसको बोल दिया टू, फिर इसको दे दिया हमने थ्री, इसको बोल दिया हमने फोर, इसको बोल दिया फाइव, इसको बोल दिया सिक्स, इसको बोल दिया सेवन और इसको बोल दिया एट। तो ये आपका पूरा नेटवर्क का डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक और चीज, अब हम इस जो नेटवर्क डायग्राम हमने जो अभी बनाया है इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। शायद हो सकता है कि उसमें डमी एक्टिविटी आपकी न भी हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि हम इसको किस तरह कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हम ऐसा क्या करें डायग्राम को अगर अदर ऑप्शंस के थ्रू और ड्रॉ करना चाहे तो किस तरह ड्रॉ करें कि आपकी ये जो डमी एक्टिविटी है ये भी क्या हो उसमें न हो, डमी एक्टिव के बिना भी ये नेटवर्क डायग्राम क्या हो हमारा कनेक्ट हो जाए। तो हम एक और ऑप्शन के थ्रू इसको ड्रॉ करते हैं। सो अगर इसको अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं तो देखिए ए और बी इसके पीछे कोई एक्टिविटी नहीं है तो इसको तो हम इससे डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, जैसे हमने किया था इसमें, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। ठीक है, अब इधर देखिए सी ए से निकलेगा, ठीक है, तो इसको हम सी को निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद बी से अब हमने क्या किया, ई को ऊपर ले गए, थोड़ा मैं स्ट्रेट बनाता हूं, बी से एक तो ई निकल गया और एक डी निकल गया, ठीक है। उसके बाद अब आप देखते हैं ए बी दोनों हो गया, सी भी हमने परफॉर्म कर दिया, उसके बाद डी डी बी से निकला, ठीक है, तो ये भी हमने परफॉर्म कर दिया, ठीक है, ये भी हमने परफॉर्म कर दिया। अब उसके बाद अब हमें क्या देखना है, ई बी से सी से एफ, अब ई और एफ को भी देखना है, तो सी से क्या निकाल दिया हमने, एफ निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद चूंकि डी से जी एक्टिविटी, तो ये डी क्या है आपका प्रीडेसेसर एक्टिविटी और जी क्या है सक्सेसर एक्टिविटी,
तो यहाँ पे एक एक्टिविटी जी को परफॉर्म करा दी, डी से आपका जी हो गया। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन में, आप देखिए अब एच है जो कि ई एफ जी के बाद परफॉर्म करना होता है, कि जब ई एफ जी हो जाएगा उसके बाद हम एच को निकाल देंगे। तो अब देखिए ई एफ जी परफॉर्म होगा तो हम एच को परफॉर्म कर देंगे, तो ये हो गया आपका एच। अब इस डायग्राम में और इस डायग्राम में फर्क क्या है कि इस डायग्राम को अगर हमने इस तरीके से किया तो हमें यहाँ पर डमी एक्टिविटी की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा डमी एक्टिविटी लगानी पड़ी थी, लेकिन अगर हमने इसका सिक्वेंस अगर इस तरह से रखा तो इसमें हमको डमी एक्टिविटी की जरूरत भी नहीं पड़ी। कंसेप्ट तो वही है, कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा हमने चेंज क्या किया कि ये जो डी था इसकी जगह हमने यहाँ पे इसको इधर कर दिया और ई को इधर कर दिया, उसके बाद में इसको कनेक्ट अलग तरीके से करा तो हमें डमी एक्टिविटी की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब इसकी नंबरिंग हम रख देंगे, क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, sorry, ये 6, इसको 5 बोल दिया और ये 7, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर होता है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 3 से 6, 5 से 6 और 6 से 7। तो इस तरह हमने नेटवर्क डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो दोनों तरीके से हमने बनाया, दोनों तरीके से ये राइट माना जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। तो प्रोसीजर क्या था, एक हम स्टार्टिंग इवेंट लेते हैं और एक हम एंड इवेंट लेते हैं, उसी तरह हमने इसको इसी तरह करा, यहाँ पे भी वही स्टार्टिंग इवेंट और एक एंड इवेंट होता है और जो भी क्या होना चाहिए कनेक्टेड होना चाहिए, तो इसी तरह हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम को हम सेम कंसेप्ट के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो, नेटवर्क डायग्राम आप बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कि कैसे हमने इसको ड्रॉ किया। नाउ वी आर टेकिंग अनदर प्रॉब्लम एंड वी विल ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम, राइट। सो एक्टिविटी एंड प्रीडेसेसर एक्टिविटी, राइट। तो एक्टिविटी दैट मीन समटाइम्स यू कैन से सक्सेसर एक्टिविटी ए एंड बी। अब आप देख रहे हैं कि ए और जो बी सक्सेसर एक्टिविटी है उसमें कोई भी प्रीडेसेसर एक्टिविटी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्टिविटी मीन सक्सेसर एक्टिविटी और प्रीडेसेसर एक्टिविटी को फिक्स करना है कि कौन सी एक्टिविटी के बेस पर हमको इसकी सीक्वेंस को डिसाइड करना है। अब ए से सी परफॉर्म करना है, ए से डी परफॉर्म करना है, ठीक है, और सी से ई परफॉर्म करना है, डी से एफ परफॉर्म करना है, सो सेम बी से जी परफॉर्म करना है, और जब ई एफ जी कम्प्लीट हो जाए तो हमको एच परफॉर्म करना है। तो अब इससे क्लियर दिख रहा है ए और बी, अब ए और बी के पीछे कोई एक्टिविटी नहीं है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। तो देखिए ए के पीछे कोई एक्टिविटी नहीं है, बी के पीछे भी कोई प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो सी है वो किससे निकल रहा है, ए से निकल रहा है, और डी भी किससे निकल रहा है, ए से निकल रहा है, तो सी और डी दोनों हो जाएगा इसमें, एक हो जाएगा सी और एक हो जाएगा डी। तो देखिए एक हमने सी निकाल दिया ए से और एक हमने डी निकाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद ई और सी, ठीक है, तो सी से ई निकल गया तो हम सी से ई को भी परफॉर्म कर देंगे, उसके बाद एफ, ठीक है। अब चूंकि एफ है, किससे एफ किसके लिए है, एफ सक्सेसर एक्टिविटी है आपके प्रीडेसेसर एक्टिविटी डी के लिए, तो डी से आप क्या निकाल दोगे, एफ निकाल दोगे, तो ये भी हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, जी और बी, तो बी से क्या निकला आपका जी, तो आप डायरेक्टली इसको यहां से कनेक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका जी।
अब लास्ट में क्या है H, अब H तभी कंप्लीट होगी जब E, F और G कंप्लीट हो। तो देखिए E भी है, F भी है और G भी है, तो इसके साथ हमने एक और एक्टिविटी को कंप्लीट कर दिया, उसको बोल दिया H। तो देखिए स्टार्टिंग से एंड तक जो आपका क्वेश्चंस में दे रखा है उसी तरह हमने इसको परफॉर्म कर दिया। अब हम इसकी नंबरिंग डिसाइड करेंगे, तो नंबरिंग कैसे डिसाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आपको उम्मीद है कि ये पूरा क्लियर हो गया। तो ए और बी, ए और बी के पीछे तो कोई एक्टिविटी प्रेडिसर एक्टिविटी नहीं थी, तो हमने इसको यहां से सेगमेंट किया, सी ए से निकाला, डी वो भी ए से निकला, ई सी से परफॉर्म किया, एफ डी से परफॉर्म किया, जी बी से डायरेक्ट परफॉर्म कर दिया, और एच ई एफ जी, तो ई भी हो गया, एफ भी हो गया, जी, तो इसको हमने यहां से एक एक्टिविटी निकाल दी। तो ये हो गया स्टार्टिंग इवेंट और ये हो गया एंड इवेंट। तो इसी तरह ये नेटवर्क भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस बेल आइकॉन ताकि हम आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन दे सकें। थैंक यू वेरी मच।